हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ स्टैंडर्ड 8 संस्कृत चित्रपदानी 2। टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर 2 चित्रपदानी 2। चित्रपदानी 2 प्लूरल फॉर्म में है और चित्रपदानी 1 था वो सिंगुलर फॉर्म में था। एते मीन आ बधा, दिस, ते बधा, दोस, ये दोनों मस्कुलाइन जेंडर है यानी कि पुल्लिंग है। एता हा आबदी मीन्स दिस, ता ते बदी दोस, ये दोनों फेमिनाइन जेंडर है यानी कि स्त्रीलिंग है। एतानी आबदा मीन्स दिस, तानी ते बदा मीन्स दोस, ये दोनों न्यूट्रल जेंडर है यानी कि नपुंसकलिंग है। संति, स्मह, स्थ, ये तीनों तीन वर्ब है। स्मह वर्ब यूज फॉर वी, स्थ वर्ब यूज फॉर यू। इन दिस पिक्चर्स ऑल आर मस्कुलाइन जेंडर इन प्लूरल फॉर्म। फर्स्ट, एते गजाः मीन्स दीज आर एलिफेंट्स। सेकेंड, एते शशकाः मीन्स दीज आर रैबिट्स। एते हंसाः मीन्स दीज आर स्वान्स। ते गजाः मीन्स दोज आर एलिफेंट्स। ते शशकाः मीन्स दोज आर रैबिट्स। ते हंसाः मीन्स दोज आर स्वान्स। अभी ये जो पिक्चर्स में सेंटेंस है संस्कृत, इसमें हम वर्ब के लिए संति का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस संस्कृत में ऐसे बनते हैं, एते गजाः सन्ति, ते गजाः सन्ति, एते शशकाः सन्ति, ते शशकाः सन्ति, एते हंसाः सन्ति, ते हंसाः सन्ति। एताः मीन्स दीज, ताः मीन्स दोस। इन दीज पिक्चर्स ऑल आर इन फेमिनाइन जेंडर एंड प्लूरल फॉर्म। फर्स्ट, एताः अजाः, अजाः मीन्स गॉड्स। और ये सब सेंटेंस में भी संति वर्ब के लिए यूज कर सकते हैं। एताः अजाः सन्ति मीन्स दीज आर गॉड्स। एताः बालिकाः सन्ति मीन्स दीज आर गर्ल्स। एताः चटकाः सन्ति मीन्स दीज आर स्पैरोस। ताः अजाः सन्ति मीन्स दोज आर गॉड्स। ताः महिलाः सन्ति मीन्स दोज आर वुमन। ताः चटकाः सन्ति मीन्स दोज आर स्पैरोस। एतानि मीन्स दीज, तानि मीन्स दोज। ऑल पिक्चर्स आर इन न्यूट्रल जेंडर इन प्लूरल फॉर्म। एतानि पुस्तकानि सन्ति, इसमें भी संति हम वर्ब ऐड करते हैं तो इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। एतानि पुस्तकानि सन्ति मीन्स दीज आर बुक्स। एतानि चित्राणि सन्ति, दीज आर पिक्चर्स। एतानि पात्राणि सन्ति, दीज आर यूटेंसिल्स। तानि पुस्तकानि सन्ति, दोज आर बुक्स। तानि चित्राणि सन्ति, दोज आर पिक्चर्स। तानि पात्राणि सन्ति, दोज आर यूटेंसिल्स। इन दिस पिक्चर्स फॉर फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट यूज द वर्ब स्मह फॉर आर, एंड फॉर सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज द वर्ब स्थ फॉर आर। वयम वो अहम का प्लूरल फॉर्म है एंड यूयम वो है त्वम का प्लूरल फॉर्म। वयम मीन्स वी एंड यूयम मीन्स तमे। वयम शिक्षिकाः स्मः, स्मः वर्ब ऐड करना है वयम के साथ और यूयम के साथ स्थ वर्ब ऐड करना है। वयम शिक्षिकाः स्मः मीन्स वी आर टीचर्स। वयम बालकाः स्मः मीन्स वी आर चिल्ड्रन। वयम महिलाः स्मः मीन्स वी आर वुमन।
यूयम सैनिकाः स्त, यूयम के साथ स्त वर्ब लगेगा तो ऐसे बनेगा यूयम सैनिकाः स्त, मीन्स यू आर सोल्जर्स। यूयम बालकाः स्त मीन्स यू आर चिल्ड्रन। यूयम बालिकाः स्त मीन्स यू आर गर्ल्स। एक्सरसाइज ऑफ चित्रपदानी 2 इन योर वर्कबुक। ऑल ऑफ यू लिसन एंड लुक दिस एक्सरसाइज केयरफुली एंड देन राइट डाउन इन योर वर्कबुक। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, डैस गजाः मीन्स एते। एते इसलिए आया क्योंकि गजाः है वो प्लूरल फॉर्म है और फेमिनाइन सॉरी और मस्कुलाइन जेंडर में है। सेकेंड, डैस ससकाः वो भी मस्कुलाइन जेंडर में है और ऑप्शन में ते दिया है इसलिए सेकेंड आंसर ते। थर्ड, एते डैस, एते डैस वो मस्कुलाइन जेंडर में है हंसाः प्लूरल फॉर्म। फोर्थ, एताः डैस आंसर आएगा अजाः। अजाः स्त्रीलिंग फॉर्म में है उसके साथ एताः जो प्रनाउन है वो भी स्त्रीलिंग फॉर्म में है। फिफ्थ, ताः डैस आंसर आएगा चिटकाः वो भी फेमिनाइन जेंडर में है। डैस पुस्तकानि एतानी पुस्तकानि ये है न्यूट्रल जेंडर इसलिए इसमें एतानी आएगा। तानी डैस पात्राणि ये भी न्यूट्रल जेंडर में है इसलिए पात्राणि आएगा और प्लूरल फॉर्म में है। डैस शिक्षिकाः आंसर आएगा वयम वो प्लूरल फॉर्म में है। डैस बालाः स्मः इसमें आंसर आएगा वयम क्योंकि स्मः वर्ब दिया है। डैस सर्वे सैनिकाः स्मः इसमें भी आंसर आएगा वयम क्योंकि स्मः वर्ब दिया है। फर्स्ट का आंसर एते, सेकेंड ते, थर्ड हंसाः, फोर्थ अजाः, फिफ्थ चटकाः, सिक्स एतानि, सेवेंथ पात्राणि, एट वयम, नाइन वयम एंड टेन वयम। नाउ क्वेश्चन 2, फाइंड एंड राइट द संस्कृत सेंटेंसेस फ्रॉम द चैप्टर फॉर द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंसेस। फर्स्ट, दीज आर रैबिट्स मीन्स एते ससकाः सन्ति। सेकेंड, दोज आर एलिफेंट्स मीन्स ते गजाः सन्ति। थर्ड, दीज आर स्वान्स मीन्स एते हंसाः सन्ति। फोर्थ, दीज आर गॉड्स मीन्स एताः अजाः सन्ति। फिफ्थ, दोज आर स्पैरोस मीन्स ताः चटकाः सन्ति। सिक्स सेंटेंस, दीज आर पिक्चर्स मीन्स एतानि चित्राणि सन्ति। सेवेंथ, दोज आर यूटेंसिल्स मीन्स तानि पात्राणि सन्ति। एट, दीज आर बुक्स मीन्स एतानि पुस्तकानि सन्ति। नाइन, वी आर टीचर्स मीन्स वयं शिक्षिकाः स्मः। टेन, यू आर गर्ल्स मीन्स यूयं बालिकाः स्थ। ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, फोर फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज द वर्ब स्मः। फोर आर फॉर सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज द वर्ब स्थ फॉर आर। एंड फोर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज द वर्ब शन्ति फॉर आर। नाउ क्वेश्चन 3, MCQ answers. First, ete means a all of these. Second, sasakaha means rabbit, a rabbit, b. Third, gajaha means an elephant, c. Fourth, hansaha means swans, answer d. Fifth, taha means all of those, answer B. 6, अजहा
Answer A. Gods. 7. Chitka means a sparrow. Answer D. 8. Etani patrani means these are vessels. Answer D. 9. Uyam means you are. Answer C. 10th. Taha balikaha means those are girls. Answer C. 11th. We means vayam. Answer B. 12th. Sparrows means chatkaha. Answer C. 1st A. 2nd B. 3rd C. 4th D. 5th B. 6th A. 7th D. 8th D. 9th C. 10th C. 11th B. 12th C. All of you check your answers. Now question 4. Translate the following Sanskrit sentences into English. First, Ete Gajaha means these are elephants. Second, Te Gajaha means those are elephants. Third, Te Susakaha means those are rabbits. Fourth, Ete Hansaha means these are swans. Fifth, Etaha Chatkaha means these are sparrows. Sixth, Taha Ajaha means those are gods. Seventh, Etani Pustakani means these are books. Eighth, Tani Chitrani means those are pictures. Ninth, Etani Patrani means these are utensils. Tenth, Yuyam Sainikaha means you are soldiers. 11th, Vayam Balakaha means we are children. 12th, Vayam Mahilaha means we are woman. Question 5. Find out the words of masculine, feminine and neuter gender from the words given below on the basis of Chitrapadani 1 and 2 and write. First, pulling, second, thrilling, and third one, napushakling. There are many names. Balakaha, Chatkaha, Mahilaha, Mayuraha, Sihaha, Gajaha, Chitram, Pustakam, Aja, Gita, Puja, Pratima, Sikshakaha, Ashwaha, Puspam, Utpitika, Yuvakaha, Dwaram, Hansaha. Pulling name, Balakaha, Mayuraha, Sihaha, Gajaha, Sikshakaha, Aswaha, Yuvakaha, Hansaha. Striling name, Chatkaha, Mailaha, Aja, Gita, Puja, Pratima, Utpitika. Third, Napushakling name, Chitram, Pustakam, Pushpam, Dwaram. Now, question 6. See the following pictures and write the correct Sanskrit words under each. First picture, gods. Only two gods hai, isliye isme aayega Ajay. Second, Chatkaha. Third, Gajaha. Fourth picture, Balikaha. Fifth, Sasakaha. And sixth, Sainikaha. Now, all of you remember that exercise is completed. Now, all of you write down in your workbook and verb form means santi, smaha, stha. Always remember in your sentence carefully. And first person plural subject only smaha. Second person plural subject use for only verb stha. And third person plural subject use the verb santi.